Hello dear students, welcome to GoPrep. This is Dr. Priyanka again with an amazing session of weighing meter. So hope aap sab tayar ho aaj ke session ke liye. Hi Amog, Harsha, hello Bilal, hello Nagraj, hope you all are doing fine. So today's session is on weighing meter, jisme hum log discuss karte hain 20 important questions specially for students who are going to appear for NEET 2020. हाय जितेंद्र, हाय रक्षा. तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, डेली फ्रॉम 11 AM टू 3 PM वी आर कंडक्टिंग दिस नीट वेइंग मीटर सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, एंड आल्सो ऑन 29th एंड 30th ऑफ ऑगस्ट वी आर कंडक्टिंग GTSE, दैट इज गो प्रेप टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इन विच यू कैन विन लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप. हाय कबीर. And also from 24th of August, we have started a two-year structured program for 22 students. And here you will get expert teachers, live interactive classes, structured study plan, DPPs and instant doubt resolution. Now, question number one on your screen. Hi Nagraj, Amog, very good afternoon. So, let's start today's session. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे है. हाय अनामिका, यस मैं वापस आ गई. हाय सीमा, योगेश. अच्छा एक बात याद रखो बेटा, करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे आपको +4 और रॉन्ग आंसर के लेंगे मिलेंगे -1. वी विल बी डिस्कसिंग 20 क्वेश्चंस. सो आउटब्रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी इन एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट. हाय प्रकाश, कबीर, ऋतु, सोनाक्षी, समरीन, जितेंद्र, जल्दी से बताओ. यस डियर, मैं रोज 2 o'clock आती हूँ. अभी जल्दी से मुझे बताओ कि कौन सा है करेक्ट आंसर. एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर सेइंग सी, सताक्षी. ओके, सो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. यस आई विल चेंज माय पेन कलर, लेट मी चेंज माय पेन कलर. ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इट इज यूजफुल फॉर ओवरकमिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रूल आउट करने के लिए आउट ब्रीडिंग इज नेसेसरी. हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, दिस इज फॉर इन ब्रीडिंग. ओके, इज यूज इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन ऑफ एनिमल्स, नो. एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, नो. सो ऑप्शन सी करेक्ट था. जिसका भी करेक्ट है उसको मिलेगा +4 और बाकी बच्चों को मिलेगा -1. कैलकुलेट करते रहो अपना स्कोर और बताते रहो मुझे चैट में. ओके ओके, तो चलिए कोई बात नहीं प्रकाश, दिस इज ओनली फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1 and 2 आपको पढ़ना है. ओके अमोक, वेरी गुड. गुड जितेंद्र, वर्षा, वेरी गुड. संस्कार, मेंटी में इतने ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वी आर टेकिंग दिस टाइप ऑफ सेशन. ठीक है, हाय प्रशांत. क्वेश्चन नंबर 2 के 2 स्टेटमेंट्स आपको पढ़ना है. मैनी फंगाई बिलोंगिंग टू जेनेरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन. तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है एनसीईआरटी से. दिस इज लाइंस ऑफ एनसीईआरटी. होप यू ऑल आर गेटिंग. Ringworm infection is generally acquired from soil or by using towels, clothes, comb, etc. of infected individual. And my students are saying option number A is correct. सब बच्चे A बोल रहे हैं. और कोई option कोई नहीं बोल रहा है, हर कोई A बोल रहा है. तो देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज A. Yes, A is the correct answer. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, और दोनों ही स्टेटमेंट जो है इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी ध्यान लगा के सुनना, बहुत पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन. आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई इन द गिवन डायग्राम ऑफ HIV वायरस. HIV वायरस का ये डायग्राम आपको देखना है. ओके जितेंद्र, वेरी गुड. रक्षा, आपने बी बोल दिया. ओके संस्कार, अमोक को मिला है +8. ऋतु बोल रही है ए ऑप्शन. समरीन इज सेइंग ए. हाय हसन. ओके देखते हैं कौन सा है करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी या डी.
Suraj is saying A, and most of the students are saying A. A is the correct answer. Yes. A is RNA. B is reverse transcriptase enzyme. C is capsule protein coat. D is lipid membrane and E is envelope protein coat. तो जिसने भी A बोला है उसको मिलेगा plus 4. Yes. और जिसने बाकी बोला है like B, C और D उसको मिलेगा minus 1. Okay? Now, let's see question number 4. Question number 4 क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं गौरव. Question number 4 on your screen now. Read the following statement. Read the following statement and then mark which of the following option is correct. Okay, true or false batana hai aapko for question number 1. Okay, Sanskar plus 12. Very good. Prakash plus 12. Jitendra, Sunil plus 4. जल्दी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के कितने बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं. एंड स्टूडेंट्स आर सेइंग ए. ओके, ए बोल रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, एक्चुअली सभी ए बोल रहे हैं. तो देखते हैं विच इज द करेक्ट ऑप्शन. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. यस, ए. द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आफ्टर फाइंडिंग नो. इट कट्स टू स्ट्रैंड. यहाँ पे वन दिया है तो दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को ये कट करता है. ठीक है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स. दूसरा देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड. दिस इज ट्रू. द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स नॉन स्टिकी या स्टिकी दोनों हो सकते हैं. सो दैट्स वाई दिस इज फॉल्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो जिस बच्चे ने ए बताया है उनको मिलेगा प्लस 4 और बाकी को मिलेगा माइनस 1. प्रकाश माइनस 1 हो गया, नागराज, सीमा, जितेंद्र, अमोघ, सुनील, सबका प्लस 12. ओके संस्कार, प्लस 16 हो गया है बच्चों का. गुड्डू गौरव का भी हो गया प्लस 4. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 5. स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस. ठीक है, ये सारा जो डायग्राम है और जो स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी. अच्छे से पढ़ो और बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए, बी, सी और डी. It represents a typical agarose gel. They are talking about this diagram. Agarose gel electrophoresis in which lane 1 contains undigested DNA. Lane 1, ye, iska baat kar raha hai, theek? And students are confused between A and B. Samreen, Seema A, Yogesh B, Satakshi B. Smallest DNA band are formed at A and largest DNA band are formed at B. The separated DNA fragments can be visualized after staining in the visible light. The separated DNA bands are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This is known as elution. So, correct answer is B. That means second and third is incorrect. This is incorrect. And this is incorrect. Okay, they are talking about incorrect statement. Okay, now how? Smallest DNA band are formed at A. A mein smallest nahi, largest hoga and isme hoga smallest. Okay, yaad rakhna hai kyunki smallest DNA fragment jiska molecular mass weight kam hoga wo aage jyada jayega aur jiska molecular mass zyada hoga wo उतना आगे तक मूव नहीं कर पाएगा. यस गौरव. ओके, तो जिसने भी बी, और यस यहां पर आएगा यूवी लाइट, यहां पे आएगा यूवी लाइट रेदर देन विजिबल लाइट. सो बी जिसको जिसने बोला उसे मिलेगा प्लस 4 एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट माइनस 1. आई गणेश, तो प्लस 4 और माइनस 1 जल्दी से बताओ.
ओके जितेंद्र, तो आपका कितना स्कोर हो गया है वो भी आपको कैलकुलेट करते जाना है साथ में. यस संस्कार, यू आर राइट. आज भी 20 क्वेश्चंस करेंगे बेटा, वी विल बी डूइंग 20 क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. यस 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 यस, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पढ़ना है और बताना है कि ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर आर ओवी पेरस एंड वीवी पेरस रिस्पेक्टिवली. स्टेटमेंट 2, न्यूमैटिक न्यूमैटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन बर्ड्स. न्यूमैटिक बोन्स मतलब बोन्स के अंदर होता है एयर स्पेसेस, एयर फिल्ड स्पेसेस. दोस टाइप ऑफ बोन्स आर नोन एज न्यूमैटिक बोन्स. नाउ टेल मी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब गो प्रेप नीट चैनल. माई स्टूडेंट्स लाइक इंदु प्रकाश इज सेइंग ए, किम जोंग इज सेइंग डी, हसनीन इज सेइंग ए. कोई बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं. प्रशांत इज सेइंग डी. तो लेट्स सी, सचिन इज सेइंग 1. विच इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास आ गए हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. न्यूमैटिक बोन्स येस इज प्रेजेंट इन बर्ड टू रिड्यूस द वेट. ठीक है. और प्लैटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर दैट इज एकिडना. ठीक है. बोथ आर ओवी पेरस. बोथ आर ओवी पेरस एंड नॉट वीवी पेरस. समझ में आया. प्लैटिपस वीवी पेरस नहीं होते हैं, प्लैटिपस होते हैं ओवी पेरस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन. ट्रू और फॉल्स बताना है. ओके, तो मिला है प्लस 4 सीमा को, प्रशांत का माइनस 1, नागराज का माइनस 1, गौरव का हुआ है माइनस 1. बहुत सारे बच्चों का हो गया है माइनस 1 क्योंकि आपने स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ा. नहीं बेटा, ये मेंटी नहीं है कोमल, आपको चैट में ही बताना है. नाउ हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म. Platyhelminths is acoelomate. Flame cells are respiratory structures present in annelids. तो true है या false है ये statement आपको बताना है. And students are saying A. सबका answer जो है मुझे A मिल रहा है. But Kim Jong बोल रहा है B. देखते हैं और कोई है जो कोई और कुछ और बोल रहा है. जितेंद्र भी बोल रहा है B. नागराज is saying A. सचिन is saying A. इंदु इज सेइंग ए, रोहित इज सेइंग ए, साक्षी इज सेइंग ए. देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर. बेटा ए इज द करेक्ट आंसर. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. याद रखो प्लैटिहेल्मिंथ्स दो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, बी बी ट्रिप्लोब्लास्टिक बट स्टिल दे आर ए सीलोमेट. ओके, समझ में आया. सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स. ओके, नाउ लेट्स सी. क्योंकि फ्लेम सेल्स इज प्रेजेंट इन प्लैटिहेल्मिंथ्स. फ्लेम सेल्स इज प्रेजेंट इन प्लैटिहेल्मिंथ्स एंड नॉट इन एनिलिड्स. एंड फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड नॉट इन रेस्पिरेशन. ओके, तो मार्क्स बता दो फटाफट से. संस्कार को मिले हैं प्लस 24, अमोक को मिला है प्लस 22. यस रिंकल, यू आर राइट. यस सुनील, 23, 28. ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन नागराज, यस. 24 और 23 पे मोस्टली सारे बच्चे हैं. गुड, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. How many of the following animals are oviparous? कितने animals इसमें से oviparous हैं? Oviparous क्या होते हैं? Egg laying animals. Viviparous क्या होते हैं? Viviparous organism that give birth to young ones. अभी जल्दी से बताओ. मेहतर योगेश इज सेइंग ए. तो पहला आंसर आया है योगेश का. देन ग्लिसरीन इज सेइंग ए, रुद्रा, प्रशांत, इरफान इज सेइंग बी, विनय इज सेइंग 2, गर्वित इज सेइंग 3, संस्कार इज सेइंग ए,
ओके, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं. सीमा इज सेइंग बी. देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है. तो करेक्ट ऑप्शन है बेटा ए. ए मतलब थ्री सिर्फ एनिमल्स आर ओवी पैरस. देखते हैं कौन कौन से. ऑस्ट्रिच ओवी पैरस, स्पाइनी एंट ईटर मैंने बताया था, दैट इज एकेडना. एकेडना इज ओवी पैरस. प्लैटिपस इज ओवी पैरस. ठीक है, तो दीज थ्री आर ओवी पैरस. अभी समझ में आया. ओके, तो प्लस फोर फॉर स्टूडेंट्स हु हैव आंसर्ड ऑप्शन नंबर ए. ओके संस्कार, वेरी गुड. एंड माइनस वन फॉर अदर ऑप्शंस. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन. स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू को ध्यान से पढ़ो, फिर बताओ ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से फाइलम के लिए ट्रू है. स्टेटमेंट वन, टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स पॉलिप एंड मेड्यूसा इज प्रेजेंट इन विच. पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली. एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी के लाइन्स है ये. ठीक है, कैंगरू इज नॉट ओवी पैरस डियर गौरव. कैंगरू इज नॉट ओवी पैरस. प्लैटिपस इज ओवी पैरस. ह्यूमन इज नॉट ओवी पैरस. Now statement 2, animals of the phylum are diploblastic and exhibit tissue level of organization with nidocytes present on the tentacles. And students are saying D and C, they are confused between D and C. Please like, share and subscribe this video and subscribe GoPrepNeet channel. Let's see what is the correct option. Correct option is D, that is Coelenterata or Cnidaria. ठीक है, इन्हीं में होता है दो morphological form, that is polyp and medusa, जिसमें बहुत ही important statement है ये, इसको mark कर लेना है. Polyp produce medusa asexually and medusa forms polyp sexually. ठीक है, और यही होते हैं diploblastic, tissue level of organization and nidocytes होता है इनका. क्वेश्चन ओके, नाउ लेट्स सी, जिसने भी डी ऑप्शन दिया था उसको मिलेगा प्लस फोर और बाकी को मिलेगा माइनस वन. ठीक है, मेंटी क्विज हम लोग नहीं ले रहे हैं बेटा, हम लोग क्योंकि उसमें हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. ठीक है, बैक नहीं जा सकते. देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट वी फेस ड्यूरिंग मेंटी सेशन. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन. Which of the following is the correct sequence of events in the origin of life? Formation of protobionts, synthesis of organic monomer, synthesis of organic polymer, formation of DNA based genetic system. Correct sequence में organize करना है आपको first, second, third and fourth statement को. जल्दी से बताओ कौन सा है correct ऑप्शन. आपको सीक्वेंस में जमाना है टेंटिकल्स. यस प्रशांत, यस टेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन नाइडेरिया. इरफान इज सेइंग सी. सताक्षी ए, रुद्रा ए एंड समा सेइंग सी एंड डी. मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं बच्चे, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस क्वेश्चन नंबर 10 में. तो देखते हैं किसने दिया है करेक्ट आंसर. संस्कार इज सेइंग सी. करेक्ट ऑप्शन इज सी. यस, सबसे पहले होगा सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर. मोनोमर से बनेगा पॉलीमर. पॉलीमर से बनेगा प्रोटोबायन. प्रोटोबायन दो प्रकार के होते हैं. वन इज क्वेसरवेट्स, क्वेसरवेट्स एंड वन इज माइक्रोस. फिर ठीक, उसके बाद आएगा डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम. बहुत ही यस यस, ये वाला क्वेश्चन एमटीजी का है, मैंने भी देखा है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यस गर्विद, सिडनी फॉक्स. यस सिडनी एंड फॉक्स, उन्होंने दिया था माइक्रोस्फेयर. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. रॉन्ग हो गया जिसका, कोई बात नहीं. होप अब आपको समझ में आया होगा. प्लस फोर फॉर ऑप्शन नंबर सी. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज
Question number 11 on your screen. Match the following species in column A to its characteristic feature in column B. Match the following, column A and column B. जल्दी से बताओ. ओके संस्कार प्लस 36, प्रकाश प्लस 14. ओके जल्दी से बताओ कौन सा है करेक्ट ऑप्शन. मैं पढ़ के बता देती हूँ. ए ड्रायोपिथिकस, बी होमो हैबिलिस, सी नियंडरथल एंड डी होमो इरेक्टस. ओके एंड स्टूडेंट्स आर सेइंग सी. सी बोल रहे हैं बच्चे. देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर. यस सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ड्रायोपिथिकस ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स, होमो हैबिलिस ब्रेन कैपेसिटी 650 टू 800 सीसी, नियंडरथल मैन फर्स्ट रिमेन फाउंड इन नियंडर वैली एंड होमो इरेक्टस लार्ज ब्रेन साइज. ओके सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. प्लस 4 फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने सी बोला और बाकी को मिलेगा -1. ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन. सीमा प्लस 34, वेरी गुड. सुनील प्लस 4, रंजू -1 हो गया. यस नागराज मैंने अपने आप को हाइड किया है. गुड संस्कार. ये सेशन हम लोग लाते ही इसलिए हैं ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, ठीक है, आपके क्वेश्चंस रिवाइज हो फ्रॉम फुल सिलेबस. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. The duration of cardiac cycle is 0.8 second. You will have to tell me what is the correct option. Cardiac output is approximately 5 liters. Dub sound is produced due to closure of tricuspid valve. Sinoatrial node is present in left atrium. And sympathetic nerve increases the rate of heartbeat, strength of ventricular contraction and cardiac output. जो भी सही है, जो भी गलत है, वो आपको मार्क करना है ए बी सी या डी. ओके सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट एंड बेसिकली वी आर रिवाइजिंग आवर फुल सिलेबस ऑफ जूलॉजी. तो ये जितना भी सेशन हमारा चल रहा है, धीरे 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 आप लोग सारा जो है सिलेबस आपके नीट का वो कवर कर लोगे. एंड माय स्टूडेंट्स आर सेइंग बी. हर किसी का आंसर आ रहा है बी. सुरेश बोल रहा है ए एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी. थ्री स्टेटमेंट्स एंड आर करेक्ट. मैं आपको बताती हूँ कौन सा है करेक्ट ऑप्शन. द ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल इज 0.8 सेकेंड इज राइट. कार्डिक आउटपुट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स. दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. ओके डब साउंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व बट सेमी ल्यूनर वॉल्व. ओके साइनोएट्रियल नोड इज प्रेजेंट इन राइट एट्रियम. Sympathetic nerves increases the rate of heartbeat, strength and ventricular contraction, thereby cardiac output. तो मैंने बताया कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है. यह संस्कार मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आती हूँ जो लेंदी है जिससे आपका रीडिंग स्पीड बढ़े, ठीक है. तो प्लस 4 फॉर स्टूडेंट्स हु हैव आंसर्ड बी एंड -1 फॉर रेस्ट ऑफ देम. प्लस 48 संस्कार, वेरी गुड. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन. रिंकल प्लस 4, रोहित प्लस 24, ओके जितेंद्र प्लस 44, प्रकाश -1 हो गया. जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13. कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. तो ये जो चारों स्टेटमेंट है उसको आपको पढ़ना है, फिर बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. लेंथी क्वेश्चंस इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड. ठीक है जल्दी से बताओ. ऑनेस्ट स्कोर अमोग, वेरी गुड. गर्वित विनय इज सेइंग सी. ग्लिसरीन योगेश, सीमा, रामधवन, प्रशांत आर सेइंग डी. तो देखते हैं सताक्षी इज सेइंग सी.
रुद्रा इज सेइंग सी. तो देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन अकर्स इन एल्वियोलर सरफेस. दिस इज ट्रू. ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज द गैसेस डिफ्यूजेस फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर. कल ही हमने पढ़ा था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में. ट्रू. कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड विथ हीमोग्लोबिन. दिस इज रॉन्ग. अर्थवर्म रिस्पायर्स थ्रू पैरापोडिया. नो. पैरापोडिया से कौन रेस्पिरेशन करता है? नेरिस. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. देखते हैं किसको मिला है +4 और किसको मिला है -1. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन. 52 मार्क्स है संस्कार. गुड. नेरिस रिंकल वेरी गुड. गर्वित यस. -1 हो गया, कोई बात नहीं. समझ में आया अभी जिसका गलत हुआ है? जितेंद्र 48 वेरी गुड. सुनील 44 वेरी गुड. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. कीमो सेंसिटिव एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेड्यूला इज अफेक्टेड बाय. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं. अभी मुझे फटाफट से इसका आंसर बता दो कि कीमो सेंसिटिव एरिया किसके वजह से स्टिमुलेट होते हैं. एंड माय स्टूडेंट्स आर सेइंग सी. सब बच्चे सी बोल रहे हैं. कोई और कुछ और बोल रहा है क्या? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गर्वित. यस, कंफ्यूजिंग वन आई नो. देखते हैं करेक्ट ऑप्शन इज सी. हमेशा याद रखो कीमो सेंसिटिव एरिया कैन ओनली डिटेक्ट एक्सेस CO2 एंड H+ आयंस. ना ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, ना CO2 का कम हो जाना, ठीक है, ना ही ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाना. इट कैन ओनली डिटेक्ट एक्सेस CO2 एंड H+ आयंस. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो यस, संस्कार आंसर विल बी सी. अभी जब फटाफट से मुझे मार्क्स बताओ. +4 जिसने बताया था सी, और बाकी बच्चों को मिलेगा -1. ओके, तो वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस फॉर नीट. क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन. हॉर्मोन इन्वॉल्व इन द डिस्चार्ज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन मैमल. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे हमेशा इसमें गड़बड़ करते हैं. ठीक है, तो हॉर्मोन इन्वॉल्व इन द डिस्चार्ज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन मैमल. सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और एंटेरोगेस्ट्रॉन. क्या होगा? ग्लिसरीन इज सेइंग सी. रहमानी सिंह ए. इरफान ए बोल रहा है. संजय बी. प्रकाश याद नहीं आ रहा. जिसको याद नहीं आ रहा उसको मिलेगा 0. रंजू बोल रहा है सी. तो देखते हैं. अनामिका भी कैरियर सी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. यस, याद रखो पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है. पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है, वन सेकेंड. पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है कोलीसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन टू रिलीज एंजाइम, टू रिलीज एंजाइम्स. ठीक है, सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है पैंक्रियास को टू रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस एंड वाटर. ओके, ठीक. तो कोलीसिस्टोकाइनिन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो कोलीसिस्टोकाइनिन दैट इज पैंक्रियोजाइमिन स्टिमुलेट पैंक्रियास टू रिलीज पैंक्रियाटिक जूस रिच इन एंजाइम्स. एंड सिक्रेटिन स्टिमुलेट पैंक्रियास टू रिलीज पैंक्रियाटिक जूस विच इज रिच इन बाइकार्बोनेट आयंस एंड वाटर. होप अब आपको समझ में आया होगा. ठीक है, बाकी जिसने बताया है ऑप्शन नंबर सी उसको मिलेगा +4 और बाकी को मिलेगा -1. याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. गुड संस्कार. नाउ नेक्स्ट इज इतिशा. देर आर इन टोटल 20 क्वेश्चंस. 20 क्वेश्चंस है आज के सीरीज में. नाउ क्वेश्चन नंबर 16.
The characteristics and an example of synovial joint in humans is synovial joint के characteristics और example कौन सा सही आपको बताना है, first, second, third या fourth? ठीक है, तो जल्दी से बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है. आंसर विल बी व्हाट, पढ़ो अच्छे से फिर बताओ. 1, 2, 3 या 4? यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन. हसन 4 बोल रहा है, यश 1, कोमल 4. अभी बताओ जल्दी से. योगेश सी, रुद्रा सी, सूर्यांश डी, सीमा सी, गर्वित डी. नाउ करेक्ट, सब कुछ क्लियर है, मुझे भी नजर आ रहा है, मैं भी यूट्यूब देख रही हूँ. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. देखते हैं, फ्लूइड फिल साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स. एग्जाम्पल, एटलस और एक्सिस के बीच का जॉइंट. यस, दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. ठीक है, फ्लूइड फिल्ड बिटवीन टू जॉइंट्स प्रोवाइड कुशन स्कल बोन, ऐसा नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट. ठीक है, लिम्फ फिल्ड बिटवीन टू बोन्स, लिम्फ नहीं होता है. फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन नहीं. ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. होप अब आपको समझ में आया होगा. ओके, तो जल्दी से बताओ किसको मिले हैं प्लस 4 और किसको मिला है माइनस 1. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग स्पेशली फॉर नीट 2020. डी क्यों नहीं, क्योंकि देखो क्या लिखा है, फ्लूइड कार्टिलेज लिखा है, फ्लूइड कार्टिलेज नहीं होगा. ओके, यस 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 यस, पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे हम लोग ऐप पे, डोंट वरी. मैं कहीं गुम नहीं हुई हूँ, मैंने अपने आप को हाइड किया है. क्वेश्चन नंबर 17, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है ये, पढ़ो आराम से फिर आंसर करो. ए बी सी और डी, फटाफट से पढ़ना शुरू करो. पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है बेटा ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स. That's why I have included this in this question. Okay, answer भी आना शुरू हो गया है. रिधि ने C बोला है. Okay, अमोघ, संस्कार, good, मुकेश, good. अभी जल्दी से इस वाले question का answer बताओ. रितु A बोल रही है, इंदु D बोल रही है, तो मतलब अब धीरे धीरे जो है बच्चे सारे answer देने लगे हैं. Honest score, yes. ऑनेस्ट स्कोर ही बताना है किसी को, झूठ मूठ अपना स्कोर नहीं बताना है. रुद्रा डी, योगेश डी, कहाँ गए सब बच्चे? सूर्यांश सी, प्रशांत डी, इंदु फिर से डी. तो लेट्स सी, पढ़ लिया सबने स्टेटमेंट? हाँ, अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, देखते हैं. करेक्ट ऑप्शन है डी, स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 1 and 5 आर इनकरेक्ट. देखते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवेलप्ड बिटवीन विथ श्वान सेल्स विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड एक्सॉन. यस, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में भी होता है श्वान सेल्स, ये याद रखना है, पर वो माइलिन शीथ नहीं बनाता है. तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है. साइनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ न्यूरॉन सिक्रीट्स एड्रेनलिन, नो, दिस इज अ हार्मोन. एंड स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स आर मेड अप ऑफ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, नो. सो 2 and 3 करेक्ट है. होप अब आपको समझ में आया होगा. ऑप्शन होगा इसका डी. यस, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है आज के सेशन में. यस गर्वित, यस. Please don't forget to like, share and subscribe. The question number 18 on your screen. Milk secretion is under the control of dash, while milk ejection is under the control of dash. ठीक है, तो ये this question is to remove your confusion. Clear कर लेते हैं कि secretion के लिए और ejection के लिए कौन सा hormone responsible है. Okay?
यस, 2 मिनट पढ़ने में चला गया, इसलिए बोलती हूँ रीडिंग स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि नीट में हमें स्कोर कितना कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के करने हैं आपको, कितने 30 मिनट्स में। अगर आपने बायो के क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस 30 मिनट में कर लिए तो आपको टाइम मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। और ए, इतने सारे बच्चे ए बोल रहे हैं। यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मिल्क सिक्रीशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन एंड मिल्क इजेक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। वेरी गुड, +4 फॉर ऑप्शन नंबर ए एंड -1 फॉर रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। ओके, यस रहमानी, वेरी गुड, नाउ करेक्ट हुआ बहुत सारे बच्चों का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। इन अ ह्यूमन फीमेल ड्यू टू सर्टेन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी कॉर्पस ल्यूटियम इज नॉट सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरोन, तो क्या होगा? वट लाइकली वट इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस? +72 हासनीन, वेरी गुड। सीमा 57, गुड 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 गुड। जल्दी से बताओ विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, पहले आपने बोला, वेरी गुड, यस। तो भी जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। ओके, एंड स्टूडेंट्स आर सेइंग बी, हर कोई बी बोल रहा है, संजय सी बोल रहा है। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, सी प्रोजेस्टेरॉन जो है इट मेंटेन्स द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा बॉडी में इट विल लीड टू डिसइंटीग्रेशन और शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, सो देयर विल बी फेलियर इन इम्प्लांटेशन। ओके, सो ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट ऑप्शन। हाई चक्रपानी, इतिशा ने भी बी बोला था। ओके, तो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स ने बी बोला था, सो +4 फॉर ऑप्शन नंबर बी एंड -1 फॉर रेस्ट ऑफ द ऑप्शन। यस, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, कोई बात नहीं आसिफ, यू कैन डेफिनेटली सी द वीडियो अगेन। +76 +4 सबका राइट हुआ ये वाला क्वेश्चन। Now, last question of today's session. Before this, please don't forget to like, share, and subscribe this video. Subscribe GoPrep Neet channel and download GoPrep app. For PDF, you can contact me on Dr. Telegram ID Dr. Priyanka Day. And now, answer this last question. Question number 20, select true or false. Closed circulatory system is present in Annelida and Arthropoda. Phallic gland is present in female cockroach. Excretory structures are present in cockroach. Cuboidal epithelium is present in the nephron of kidney. True, false, फटाफट से बताना है. And my students are saying C. ज्यादातर students जो है वो C बोल रहे हैं. Like Vinay, Jitendra, Nagraj, सीमा, इतिशा, हासनी, जितेंद्र, तो चलिए देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में प्रेजेंट होता है बट नॉट इन आर्थ्रोपोडा, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। फेलिक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर एब्सेंट इन कॉकरोच, ऐसे कैसे हो सकता है, सो दिस इज रॉन्ग। क्यूबॉर्डल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन ऑफ किडनी, दिस इज राइट। सो करेक्ट ऑप्शन वॉज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज सेशन। होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड लर्न्ड। इम्पॉर्टेंट क्या है इस सेशन में कि आपने जो भी क्वेश्चन को गलत किया है उसका एनालिसिस करना कि आपसे वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, एंड होप अब आपको पता चल गया है कि वॉट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दैट वॉज इट फॉर टूडे, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, जी जान लगा के पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ, जल्दी से फ्यूचर डॉक्टर्स बन जाओ। सो बाय बाय एवरीबॉडी, बाद में हम लोग, गुड सीमा, जल्दी से मुझे आपके स्कोर्स भी बता दो अब। 76, 63, 80, ओके गुड। इतिशा, प्रकाश,
ओके थैंक्स गौरव, जितेंद्र, ओके मुकेश, सुनील, मैं सबके स्कोर्स देख रही हूँ, फटाफट से मुझे स्कोर बताओ। फुल मार्क्स, संस्कार, गुड। ओके ऑनेस्ट स्कोर बताना है सबको। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, बाय बाय। एंड बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, गो प्रैथनी चैनल। बाय बाय, टेक केयर।